31 मार्च को आईपीएल का सातवां मैच था और आमने सामने थे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई की तरफ से रॉबिन उथप्पा ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए चौथे ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 50 रन लगा दिए थे। रॉबिन ने क्विक फायर 50 रनों की पारी खेलकर रवि बिश्नोई को अपना विकेट दे दिया। मोइन अली, शिवम दुबे और अंबाती रायडू ने मिडिल ओवर्स में बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को संभाला। रही सही कसर धोनी ने 19वें ओवर में आकर पूरी कर दी। ऐसा लग रहा था मानो माही ड्रेसिंग रूम से पूरी तरीके से सेट होकर आए हैं। टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 211 रनों का मुश्किल लक्ष्य रखा। हालांकि ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर दिख रहा था मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में। लखनऊ की पारी की शुरुआत करने कप्तान केएल राहुल और विकेट कीपिंग बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक आए। सीएसके की पारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लखनऊ ने धमाकेदार शुरुआत की और महज 5 ओवर में ही टीम का टोटल 51 रन लगा दिया। राहुल और डिकॉक सब्लाइम टच में दिख रहे थे और बल्क में स्कोरिंग कर रहे थे कि तभी राहुल प्रिटोरियस का शिकार बनकर 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैच का मोमेंटम शिफ्ट हुआ और डिकॉक पर दबाव दूसरे छोर से आना शुरू हो गया। मनीष पांडे महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और कुछ देर बाद डिकॉक भी 66 रन बनाकर प्रिटोरियस को विकेट दे बैठे। एवन लुइस ने उम्मीदों को जगाए रखा और एक छोर से स्कोर बोर्ड को टिक करते चले गए। धोनी ने मैच का 19वां ओवर शिवम दुबे को दिया और मानो बडोनी और लुइस ने उन्हें होंकने का मन बना लिया हो। बडोनी ने पिछले मैच की फॉर्म को जारी रखते हुए दुबे की बॉल पर अग्रेसिव शॉट्स खेले और रही सही कसर लुइस ने पूरी कर दी और ओवर में 25 रन्स बनाकर लखनऊ के फेवर में मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। लुइस ने टूर्नामेंट की सबसे तेज 50-23 बॉल पर ही जड़ दी। मुकेश चौधरी को आखिरी ओवर दिया गया और बडोनी ने 3 गेंद रहते हुए लखनऊ को टूर्नामेंट की पहली जीत का स्वाद चखा दिया और बाहुबली चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा।